फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक क्लासेस। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6। एज यू नो दैट वी आर कवरिंग फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक बाय टॉपिक एंड वी आर कवरिंग फिजिकल ज्योग्राफी इन वेरी डिटेल। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स आर दोज रॉक्स दैट आर डिपोजिटेड एंड लिथिफाइड कंपैक्टेड एंड सीमेंटेड टुगेदर एट द अर्थ सरफेस विद द असिस्टेंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स, आइस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली इसका सिंपल मीन ये हुआ, सेडिमेंटरी रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो डिपोजिट होती हैं किसके द्वारा, डिपोजिट होती हैं या लिथिफाइड होती हैं या कंपैक्टेड होती हैं, सीमेंटेड होती हैं टुगेदर एट द अर्थ सरफेस विद द असिस्टेंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स, आइस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, मीन्स ये कोई माउंटेन है हमारा, ठीक है। सेडिमेंट रॉक्स कैसे बनती हैं? तो जब यहाँ से रनिंग वाटर के जैसे रनिंग वाटर से या विंड से यहाँ से जो इसका माउंटेन का जो मटेरियल वो ब्रोक हुआ, यहाँ पर ये ब्रोकन रॉकी मटेरियल हुआ, अब ये यहाँ पर नीचे आया और नीचे आने के बाद में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन मीन्स सिंपल है कम्पैक्ट जाना, एक जगह मिल जाना, इकट्ठा होना, तो उसको हम लिथिफिकेशन कहते हैं। कम्पैक्टेड, सीमेंटेड, और जब ये सीमेंटेड हो जाता है, कम्पैक्टेड हो जाता है, तो ये एक रॉक्स का फॉर्म लेता है जिसको हम सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब ये माउंटेन यहाँ पर तो विंड से हुआ है, कभी कभी हम देखते हैं कि माउंटेन से जो रिवर आ रही है वो भी अपने अपने साथ मिनरल्स लाती है, अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लाती है रॉक्स के, तो वो भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, और उनके डिपॉजिट होने से भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक रॉक बन जाती है जिनको हम सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, देयर इज़ ए 3 टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। फर्स्ट क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स एंड केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स, ये क्या होती है? द लिथिफिकेशन फ्रॉम द ब्रोकन रॉकी मटेरियल, द रॉक मे बी इग्नियस और मेटामॉर्फिक और इवन सेडिमेंटरी इज कॉल्ड क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स। इसका सिंपल मीन ये है, लिथिफिकेशन किससे? ब्रोकन रॉकी मटेरियल से। अब वो ब्रोकन रॉकी मटेरियल चाहे वो इग्नियस रॉक्स का हो या मेटामॉर्फिक रॉक्स का हो या सेडिमेंटरी रॉक्स का हो, इन तीनों में से किसी भी का भी रॉक्स का ब्रोकन मटेरियल है वो लिथिफिकेशन हो रहा है, उसको हम क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। मान लीजिए ये माउंटेन हमारा सेडिमेंटरी रॉक्स का बना हुआ है या इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है या मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, इसका जो ब्रोकन रॉकी मटेरियल होगा ऊपर से ऐसे ब्रोक हुआ, तो वो उसका लिथिफिकेशन, उसका कंपैक्टेड होना एक जगह, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल हैं सैंडस्टोन और टॉक, ये इसके दो एग्जांपल माइंड में आपको रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स का सेकंड टाइप क्या है? ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स, दिस इज़ द लिथिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मीन्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे कि लाइक ट्रीज हो गए, ठीक है, ट्रीज। अब जैसे यहाँ पर कोई ऐसा मान लीजिए, यहाँ पर बहुत पहले समय में ट्रीज थे यहाँ पर, अब क्या हुआ, ये ट्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे मतलब इनका डिकम्पोज हुए ट्रीज यहाँ से, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद में इनका जो लिथिफिकेशन हुआ, ट्रीज का लिथिफिकेशन हुआ और कोल बना, उससे क्या बनता है? कोल। तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिथिफिकेशन से जो रॉक्स बनती है उसको ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल, ओके, पाइलिंग ऑफ द ट्रीज फॉर्म्स कोल, और इससे ही फिर पेट्रोलियम बनता है। नेक्स्ट है, लास्ट है केमिकल सेडिमेंटरी रॉक्स। अब ये कैसे बनती है? ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ डिजोल्व्ड केमिकल्स, डिजोल्व्ड साल्ट्स, दीज रॉक्स फॉर्म्स, मीन्स जैसे प्रेसिपिटेशन हुई, प्रेसिपिटेशन होने के बाद में जो वाटर अपने साथ कुछ मिनरल्स को, मतलब प्रेसिपिटेशन में जो साल्ट होता है ना मिनरल्स में, वो साल्ट उस वाटर के साथ मिल जाता है,
उस वाटर के साथ ये केमिकल्स होता है, जो मिनरल्स में केमिकल होता है उसके साथ डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने के बाद में अब जो वाटर होता है वो मतलब बह जाता है, रनिंग हो जाता है वाटर का। उसके बाद जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका वाटर का जो वाटर तो एवोपरेट हो जाता है, वो एवोपरेट होने के बाद में जो रॉक्स बनती है उसका लिथिफिकेशन होता है, और उससे जो रॉक्स बनती है उसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। वाटर जो है एवोपरेट हो जाता और जो साल्ट वाली जो रॉक्स बची थी, सेडिमेंट्री रॉक्स डिजोल्व उसमें साल्ट था या केमिकल्स थे, उनके लिथिफिकेशन से जो रॉक्स बनती है उसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन। तो ये एग्जांपल तो आपको जरूर माइंड में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जांपल ही पूछे जाते हैं कि लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है, कोल किसका एग्जांपल है, तो ये आपको माइंड में रखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। दे कैन बी हार्ड एज सैंडस्टोन और दे कैन बी सॉफ्ट लाइक टॉक। टॉक जो होता है सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। दे आर स्ट्रेटिफाइड इन नेचर। दे आर स्ट्रेटिफाइड इन नेचर मीन्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर बाय लेयर, मतलब इनको आप देखेंगे तो इनमें लेयर आपको देखने को मिलेंगी, मतलब माउंटेन है कोई तो उसमें लेयर बन रही होंगी, स्ट्रेटिफाइड होंगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। तो ये नेचर में कैसी होती हैं, इन लेयर, ये लेयर के टाइप्स की होती हैं। दे कंटेन फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स, फॉसिल वो होता है जिससे कि फ्यूल बनता है। अब फ्यूल फ्यूल किससे बनता है, हमारे जैसे कि ट्री कोल से बनता है, तो कोल से फॉसिल जो हमारे फ्यूल के काम में आते हैं ना उनको फॉसिल कहते हैं। जैसे कि ट्रीज हैं, ट्रीज से कोल बना। कोल कैसे बना, क्योंकि लिथिफिकेशन हुआ था ट्रीज का। तो मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, वो फॉसिल जो निकलता है हमारा, वो सेडिमेंट्री रॉक्स से ही निकलता है। क्वेश्चन आएगा कि फॉसिल फ्यूल या फॉसिल्स किस में पाया जाता है, या तो ऑप्शन में होगा मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। तो इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स पाया जाता है। ओके, दे रिवील द जियोलॉजिकल पास्ट। इनसे हम अपने जियोलॉजिकल पास्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा जब आप ट्रीज काटते हैं तो उनमें आप देखते हैं लेयर लेयर बाय लेयर, तो उससे हम जियोलॉजिकल पास्ट का भी हम पता लगा सकते हैं कि इस कितनी एज है इस ट्री की, या इस माउंटेन की कितनी एज है, तो उससे हम उसकी एज का भी आइडिया लगा सकते हैं। एंड लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। दोज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजेस इन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से जो रॉक्स बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मींस जो रॉक्स पहले से ही होती है, कोई मान सेडिमेंट्री रॉक्स ले ली हमने, या इग्नियस रॉक्स होती है, ये तो पहले से कोई रॉक्स है, लेकिन इनकी जो नेचर है इनमें ही चेंज हो जाना। चेंज किसके द्वारा, या तो हाई टेम्परेचर के द्वारा या प्रेशर के द्वारा चेंजिंग इनमें आ जाना, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इनका मेटामॉर्फिज्म हो जाना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, ठीक है। द रॉक loses its original character and acquires new character, मतलब अपना original character को छोड़कर new character को अपना लेती है, उसका रूप ले लेती है, उसको हम metamorphic rocks कहते हैं। Such newly characterized rock is called metamorphic rocks। इसका example देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि limestone से बनता है, limestone का metamorphism करने पर हमें marble प्राप्त होता है, sandstone का metamorphism करने पर quartz प्राप्त होता है, शेल का मेटामॉर्फिज्म करने में स्लेट रॉक्स मिलती है। अगर हम देखें तो अर्थ की लेयर में जो रॉक्स पाई जाती है ना, अर्थ की इंटीरियर लेयर में, तो यह इसका जो सही क्रम है ना, ऑर्डर सही, शेल, उसके बाद स्लेट, फिर सिस्ट, फिर नेसेस, फिर मैग्मा। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शेल, स्लेट, सिस्ट, नेसेस और मैग्मा। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर टू टाइप्स, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। इसका मीन्स होता है जैसे कि फोलिएटेड रॉक्स है, तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर सिमिलर मिनरल्स गैदर एट वन प्लेस एंड अपीयर्स एज लाइंस और बैंड्स। सच बैंडेड और लाइंड मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो जो सिमिलर मिनरल्स होते हैं वो एक जगह हो जाते हैं, एक जगह होने के बाद वो एक लाइन की तरह दिखने लगते हैं, और जिसमें ये लाइन दिखती है उसी को हम बोलते हैं फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है,
इफ द बैंड्स और लाइंस आर एब्सेंट, जिसमें ये नहीं होते लाइंस और बैंड्स, उनको कहते हैं हम नॉन फोलिएटेड। ये था हमारा लेक्चर आज का। आई होप यू अंडरस्टूड द सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।